लॉकडाउन की अवधि में भी शासकीय एवं अर्धशासकीय कर्मचारियों को वेतन देने की घोषणा केंद्र व राज्य सरकार ने की थी, लेकिन महानगर पालिका में आपली बस के 3,000 से अधिक निजी ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को काम नहीं वेतन नहीं की पॉलिसी पर अमल करते हुए वेतन नहीं दिए जाने का निर्णय मनपा प्रशासन द्वारा लिए जाने से इन कर्मचारियों को 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे वे आर्थिक संकट में फंस गए हैं। शिवसेना से निकाले गए नेता कुख्यात मंगेश कड़ाव ने अवैध साहूकारी के लिए उद्योजकों के फ्लैट पर कब्जा कर लिया। क्राइम ब्रांच ने कड़ाव के खिलाफ बजाज नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। कलमना और कॉटन मार्केट में सब्जी की आवक और भाव हमेशा की तरह ही थे, लेकिन रविवार को जनता कर्फ्यू के चलते बहुत कम खुदरा विक्रेताओं ने थोक बाजार से खरीदी की, इसीलिए सब्जियों की किल्लत थी। कोविड-19 वायरस के संक्रमण से जारी आर्थिक संकट के चलते महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल एसटी महामंडल की माली हालात भी कमजोर हो चुकी है। स्थिति से निपटने के लिए महामंडल में पहले बार स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजना VRS स्कीम लाई जा रही है। इस बाबत मुंबई में आवश्यक चर्चा और निर्णय लिए जा रहे हैं। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में फिलहाल PhD व MPhil पाठ्यक्रम बंद हो गए हैं। अब यह कब शुरू होगा इसका कोई अता पता नहीं है। पहले दिन कक्षा 11वीं में 3,116 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पंजीनीय कराया है। केंद्रीय प्रवेश समिति के मुताबिक पंजीनीय प्रक्रिया के पहले दिन रविवार की सुबह 11 बजे से विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू कर दिया था। कोविड-19 के संक्रमण की वजह से व्यापार में नुकसान झेल रहे छोटे व्यापारियों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई है। कई व्यवसाय न चलने पर बेरोजगार युवाओं को उम्मीद थी कि राखी के पर्व पर कुछ कमाई हो जाए तो वो परिवार का पालन पोषण कर ले। हालांकि तेजी से बढ़ते कोविड-19 के मामलों के कारण जनता कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिससे राखी का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। मनपा में कुछ माह से पदाधिकारी नगर सेवक और आयुक्त के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बयान में मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे का समर्थन करते हुए कहा सबको उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, दूसरी तरफ महापौर संदीप जोशी और विधायक विकास ठाकरे ने मुंडे को जनप्रतिनिधियों के साथ उचित बर्ताव करने की हिदायत देने की अपील मुख्यमंत्री से की है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के नतीजों को लेकर देश के कई हिस्सों में सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एंटीजन टेस्ट में जो रिपोर्ट निगेटिव आती है वही RT-PCR में पॉजिटिव आ रही है। ऐसे 8 से 10% मामले देश के कुछ हिस्सों में सामने आए हैं, पर नागपुर शहर के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के मरीजों की RT-PCR पद्धति से ही कोविड-19 की जाँच की जा रही है।